बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, फ़ज़ाइया वीडियो लेक्चर में आपको खुश आमदीद। कंप्यूटर क्लास 6 चैप्टर 1 हमारा स्टडी है और इसके सिलसिले में आज हमारा तीसरा लेक्चर है। उम्मीद है पहले दो लेक्चर्स में आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। आज का लेक्चर जो है उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने एवोल्यूशन देखी कि कैसे एवोल्यूशन हो के इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर तक कंप्यूटर के पहुंचा, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर में क्या एवोल्यूशन आई वो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। जी, तो हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर को। इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर, पहले जो हमने कंप्यूटर देखे वो सारे मैकेनिकल थे। 20वीं सदी में रैपिड जो है वो प्रोसेस हुआ कंप्यूटर का, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो इस्तेमाल कर रहा था इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। तो इसकी वजह से प्रोसेस जो है वो बहुत तेज़ हो गया, और क्योंकि ये मैकेनिकल से शिफ्ट होके इलेक्ट्रिकल पे आ गया, तो ये किस किस तरह से इनमें चेंजिंग आई अब हम ये देखते हैं। सबसे पहली जो जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जिनको कहते हैं, ये 1942 से 1955 का दौर था, 1942 से 1955 का दौर, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का दौर था। इसमें जो है कंप्यूटर वो वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल कर रहे थे, यानी वैक्यूम ट्यूब्स को इस्तेमाल करके कंप्यूटर बनाया गया। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी, बहुत अहम कदम था कि मैकेनिकल से आप इलेक्ट्रिकल पे आ चुके थे। वैक्यूम ट्यूब जो है ये क्या चीज़ होती है? वैक्यूम ट्यूब एक ग्लास बल्ब, ऐसे समझ लें कि जिस तरह बल्ब होता है इस तरह की एक ट्यूब होती है, और इसके अंदर वायर्स होती हैं, और ये वायर्स जो है वो डाटा कैरी कर रही होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो इसकी भी इनपुट आउटपुट का प्रिंसिपल जो है वो सेम है जिस तरह के आजकल के कंप्यूटर में है। इसमें जो पहला कंप्यूटर बनाया गया वो इनैक था। ये एक बहुत बड़ा कंप्यूटर था जिसामत के लिहाज से, इसमें 19,000 वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल की गई, 19,000 वैक्यूम ट्यूब्स, और इस कंप्यूटर का वज़न तकरीबन 27 टन के करीब था। तो इसको इस्तेमाल करना यकीनन काफ़ी मुश्किल भी था, और ये इलेक्ट्रिसिटी भी इसी तरह ज़्यादा इस्तेमाल करता था। कहते हैं कि जब इसको ऑन करते थे तो उस वक़्त इसका इतना लोड था कि बाकी पूरे शहर की बिजली जो है वो बंद करनी पड़ती थी, तो इतना ज़्यादा इसका लोड था। इसके अलावा और भी इसकी मिसालें हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आती हैं, हेडवैक, हेडसैक, ये भी इसी तरह के कंप्यूटर थे जो कि वैक्यूम ट्यूब पर मुश्तमिल थे। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की? एक तो ये बहुत बड़ा था साइज में, बहुत लार्ज, जैसे कि मैंने बताया कि एक बड़े कमरे में ये कंप्यूटर समाता था, उसमें इसको इंस्टॉल किया होता था। सेकंड ये था कि इसकी स्पीड जो है प्रोसेसिंग स्पीड वो बहुत स्लो थी विद रिस्पेक्ट टू के बाद के कंप्यूटर्स, ठीक है। मैकेनिकल से ये यकीनन तेज था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर्स में ये सबसे स्लो किस्म का कंप्यूटर था, इसकी प्रोसेसिंग बहुत स्लो थी और इसमें बहुत ज़्यादा एरर्स भी आते थे, और ये बिजली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता था, जैसे कि मैंने बताया कि हत्ता के जिस वक़्त ये ऑन होता था उस वक़्त शहर की बिजली बंद करनी पड़ती थी, और ट्यूब्स की वजह से ये बहुत मिकदार में बहुत ज़्यादा हीट पैदा करता था, और इतनी रिलायबिलिटी इसकी नहीं थी, और ये एक्सपेंसिव बहुत था, यानी इसको ख़रीदना बहुत मुश्किल था।
इस तरह नहीं था कि जिस तरह के आज कंप्यूटर खरीद कर आप घर ले आते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं था। ये कोई बड़ी कंपनीज जो है उनने खरीदे थे, उसके अलावा हर कोई इसको नहीं खरीद सकता था, और ना ही ये पोर्टेबल था इतना इजी के आप उठा के ले जाएं। उसके बाद सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का दौर आया, जो कि 1956 से लेकर 1964 तक, 1956 से 1964 का दौर था। इसमें एक बहुत तब्दीली हुई, वो ये थी कि वो जो वैक्यूम ट्यूब थी वो रिप्लेस हो गई ट्रांजिस्टर्स के साथ। तो फंक्शन इसका भी वो सेम ही था ट्रांजिस्टर का, लेकिन इसके साइज बहुत कम था और ये बिजली भी बहुत कम इस्तेमाल करता था। तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है तब्दीली आई कंप्यूटर में, और IBM ने 7094 ये कंप्यूटर मुतारफ करवाया, जो कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था। तो आप देख सकते हैं कि जो पहले एक कमरे पे के साइज पे मुश्तमल कंप्यूटर जो है वो एक टेबल तक आ गया। तो इसकी मिसालें जो हैं वो स्ट्रेटेज और लैरक कंप्यूटर्स भी इसकी मिसाल है। तो ये इसी दौरान में चूंकि ट्रांजिस्टर ईजाद हो चुका था, तो ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करते हुए ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर बनाए गए। इसकी करेक्टरिस्टिक जो है वो क्या थी, ये फर्स्ट जनरेशन की निस्बत फास्टर भी था और स्मॉलर भी था, क्योंकि ट्यूब्स की जगह पे ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हो गए रहे थे, जो कि साइज में भी बहुत कम थे और ज़्यादा एफिशिएंट थे। इसके अलावा ये सस्ता था उनकी निस्बत, और बिजली भी कम इस्तेमाल कर रहा था। इसके अलावा जो इससे हीट पैदा हो रही थी वो भी निस्बतन कम हो चुकी थी, उतनी ज़्यादा ही ये हीट जनरेट नहीं करता था और ज़्यादा देर इसको ऑन किया जा सकता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है वो बहुत कम टाइम के लिए उसको ऑन रख सकते थे, क्योंकि उसकी हीट बहुत ज़्यादा होती। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में ये फ़ायदा भी हुआ कि इसको हम उसकी निस्बत फर्स्ट जनरेशन की निस्बत ज़्यादा देर ऑन रख सकते थे, क्योंकि ये लेस हीट जो है वो प्रोड्यूस करता था, और इसकी रिलायबिलिटी भी पहले से बेहतर हो चुकी थी। इसके बाद थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का दौर आया, जो कि 1965 से 1975 का था, यानी 1965 से 1975 का दौर था। इसमें मजीद टेक्नोलॉजी जो है उसको इम्प्रूवमेंट मिली, और वो जो ट्रांजिस्टर थे वो और उनके जो सर्किट थे वो सारे ICs में मुंतकिल हो गए। IC क्या है? IC दरअसल उन्हीं ट्रांजिस्टर्स और सर्किट पे मुश्तमिल एक कंपोनेंट है, यानी कि आप समझ लें कि वो जो ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, इंडक्टर, वो जो मुख्तलिफ कंपोनेंट अलहदा अलहदा से लगाए जाते थे, उस सारे का फंक्शन इस IC के अंदर डाल दिया, यानी कि वो बहुत छोटी छोटी मिकदार में वही सेम चीज़ें इसके अंदर एम्बेडेड कर दी जाती है, इसके अंदर डाल दी जाती है, इसीलिए इसको इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ICs जो है ये साइज में बहुत कम थी, और उसका फ़ायदा क्या हुआ कि ये एक तो फास्टर काम करने लग गए, यानी कि जो थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर आप इस्तेमाल कर रहे थे उनकी जगह पे वो एक IC इस्तेमाल हो रही थी, और इससे बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ गई। लाइलैक 4 जो है वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है, जैसे कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, इसका साइज पहले से बहुत कम हो चुका था। इसकी करेक्टरिस्टिक को जब हम डिस्कस करते हैं, तो ये उस सेकंड जनरेशन की निस्बत ज़्यादा फास्टर थे, साइज में कम थे, और सस्ते भी उसकी निस्बत ज़्यादा थे। और तो पहले जो बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ खरीद सकती थी, अब उससे छोटी कंपनियां भी इसको बड़ी आसानी से खरीद के इस्तेमाल कर सकती थी, और ये बिजली भी बहुत कम इस्तेमाल कर रहे थे, और इसके जो है हीट जो इसकी नतीजे में पैदा हो रही थी, जो हीट जनरेशन थी वो भी इसकी
कम हो गई, जिससे कि जो लॉसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। इसके बाद फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है ये 1976 से लेके ऑनवर्ड जो कंप्यूटर इस्तेमाल किए गए हैं वो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कहलाते हैं, यानी कि 1976 से लेके अभी तक जो इस्तेमाल हो रहे हैं ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हैं। इसमें जो आईसीज थे उनकी जगह पे माइक्रो प्रोसेसर्स इस्तेमाल होने लगे। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है ये समझ लें कि कई जो आईसीज का फंक्शन है वो एक माइक्रो प्रोसेसर या वो चिप इस्तेमाल कर लेती है। तो माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल सिलिकॉन चिप ऑन विच थाउजेंड्स ऑफ सर्किट्स आर प्लेस। ये एक छोटी सी सिलिकॉन की चिप है जिसपे वो बहुत सारे सर्किट जो है वो एक जगह पे आते हैं। जिस तरह के आप ये तस्वीर में भी देख सकते हैं नीचे कि ये प्रोसेसर की तस्वीर है। तो ये इसका जो छोटी सी चिप है, ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, ये अंगूठे के नाखन के बराबर हो सकता है। तो बाकी इसकी सारी लाइंस हैं जो कि आउटपुट इनपुट के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो एक्चुअल प्रोसेसर है वो बहुत स्मॉल साइज में है। तो इसकी जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर थे इसकी एक मिसाल जो है अल्टायर 8800 कंप्यूटर्स हैं जो कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। और इसी तरह हमारे घरों में जो आम इस्तेमाल हो रहे हैं पीसीज वगैरह वो भी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। स्मार्ट डिवाइसेस जो है ये भी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं। लैपटॉप हैं, डेस्कटॉप है, ये सारे जो है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स कहलाते हैं। इसकी करेक्टरिस्टिक जो है ये क्या थी कि ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से भी ज़्यादा सस्ता था, उससे ज़्यादा फास्टर और स्मॉल साइज में था, और रिलायबिलिटी भी उससे ज़्यादा है इसकी, और ये बहुत कम बिजली इस्तेमाल करता है, और उसके नतीजे में जो हीट जो जनरेट होती है वो भी बहुत कम है, जिससे कि पावर के लॉसेस भी बहुत कम हो गए हैं। हत्ता कि इतने इसकी इलेक्ट्रिसिटी कम है कि हमें इससे पोर्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मिल गई। यानी हम जिस तरह के लैपटॉप्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो वो जस्ट उनमें बैटरी इंस्टॉल होती है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम इस्तेमाल की जा सकती है। तो उसकी वजह क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत कम यूज़ हो गया है, एफिशिएंसी जो है वो बढ़ गई है। तो पोर्टेबल होने के साथ साथ इनके एक्सपेंसिव भी कम है। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है जिसको कि हम फ्यूचर का कंप्यूटर भी कह सकते हैं कि ये फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इसको इंसान की इंटेलिजेंस को देखते हुए कॉपी करने की कोशिश की गई है। ये रोबोट्स में ये चीज़ इस्तेमाल हो रही है और मुख्तलिफ चीज़ों में भी अब इसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है। तो इससे क्या है कि बहुत सी चीज़ें जो है वो कंप्यूटर खुद से समझता है, डिसीजन करता है, यानी उसको डिसीजन पावर दे गई है जिससे वो डिसाइड करके खुद से फैसला करके वो काम सारा अंजाम दे। तो हर चीज़ के लिए, इवन एक एक काम के लिए वो इंसान का मोहताज नहीं बल्कि काफ़ी काम जो है वो खुद से भी कर सकेगा। तो उससे इंसान को एक और ज़्यादा सहूलत हासिल होगी, और बहुत सारे इसके समरात हैं, बहुत सारे इसके इस्तेमाल हैं। उसके अलावा इसके वॉइस कमांड को अंडरस्टैंड करना, यानी कि वो आप आसानी से आप देखा होगा कि मोबाइल्स वगैरह में भी इस तरह की ऐप्स आ गई हैं कि आप सिर्फ वॉइस कमांड के ज़रिए अपना मैसेज देते हैं और वो उसको अंडरस्टैंड करके उसके मुताबिक आपको आउटपुट दे सकता है। इसी तरह जो है वो सारा डाटा जो है वो प्रोसेस करता है, आप किसी किस्म का डाटा फिल्टर आउट करना चाहते हैं, हत्ता कि वो आपको यहाँ तक भी अंडरस्टैंड करता है कि आप फर्दर अगला एक्शन आप क्या करने वाले हैं। तो कई चीज़ों में वो आपको सजेस्ट कर रहा होता है कि आप क्या ये चीज़ ढूंढ रहे हैं या ये चीज़ आपको मतलूब है। तो ये किसके बदौलत है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। इसके बाद एक अहम चीज़ जो थी जो कि कंप्यूटर करने में पीछे रह गया था वो भी अब इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए मुमकिन होती जा रही है।
कि वो इमेज और ऑब्जेक्ट्स रिकॉग्निशन जो है वो कर सकेगा, यानी वो पहचान सकेगा कि ये तस्वीर किसकी है या ये कौन सी चीज़ है। उसमें उसके लिए बहुत सारे उसको ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस दिए जाते हैं, उनको कंपैरिजन के जरिए उसको समझा दिया जाता है, जिससे वो प्रोसेस करके अंदाज़ा लगा लेता है कि ये क्या चीज़ है। इसके अलावा वेदर फोरकास्टिंग के लिए ये इस्तेमाल हो सकेंगे, ये उनकी ये खूबी है कि ये आपको वेदर फोरकास्ट दे सकते हैं, जिससे बहुत अच्छी वेदर फोरकास्ट दे सकते हैं। इनका कंपैरिजन अभी हम देख लेते हैं कि ये जो हमने मुख्तलिफ जनरेशन के कंप्यूटर देखे, इनका एक दफ़ा फिर से कंपैरिजन देख लेते हैं, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि कैसे एवोल्यूशन आई। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में क्या एवोल्यूशन है, क्या क्या चीज़ें किस तरह से तब्दीली आ रही है, और कौन सा इनका टाइम पीरियड है। तो जी, स्लाइड में हम देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है वो 1942 से 1955 तक थे, और ये वैक्यूम ट्यूब पर मुश्तमिल थे, जिसकी मिसालें इन्हें नैक, डेवैक और एडसैक कंप्यूटर हैं। इस तरह सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो है वो 1956 से 1964 का दौर था, और इसमें क्या है, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी वो ट्रांजिस्टर्स की थी, तो इसमें स्क्रैच और लैरक कंप्यूटर। और थर्ड जनरेशन में 1965 से 1975 का दौर है, और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसीज का इस्तेमाल किया गया, और इसमें लाइलैक फोर जो है ये कंप्यूटर इसके एग्जांपल हैं। इस तरह फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो कि अभी तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये 1976 से अभी तक के इसका इनका इस्तेमाल है, और इनमें माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं। तो इसके मिसालें तो बेशुमार हैं, आपके घर में इस्तेमाल होने वाले मैक्सिमम कंप्यूटर जो है वो इसी में है। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, जिसको हम फ्यूचर का भी कह रहे हैं, फ्यूचर के कंप्यूटर हैं, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, और ये रोबोट्स वगैरह इसकी एग्जाम्पल। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का पता चलता रहे, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि नॉलेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, स्प्रेड हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।